देखिए आज एक तो हमारी जो जींद की जिला प्रधान है अनीता सुल्तान, उसकी जमीन की कुर्की कोर्ट से केस में यूनियन के केस में उसकी कुर्की कर दी है, कुर्की के ऑर्डर आ गए हैं, तो उसका हम विरोध करते हैं और वो किसी हालत कुर्की नहीं होने देंगे। उसकी पूरी पड़ताल करके वहां पे जाके उसको हर तरह से उसकी मदद करेंगे। वो रोकी किस संदर्भ में आई है कुर्की? वो किसान यूनियन का एक मुकदमा है टोल रोकने का है, उसके उसमें उसकी कुर्की आई है, जबकि उसके पास कोई नोटिस पेश होने का नहीं आया, कोई उसको ये नहीं पता कि मेरा चालान कोर्ट में है, और सीधी उसकी जमीन की कुर्की आई है जो बिल्कुल गैर कानूनी भी है और बिल्कुल अनर्थ भी है। आंदोलन को लेकर जो मीटिंग हुई है उसमें क्या? दूसरा आंदोलन को लेकर ये है कि हम आंदोलन के साथ हैं, जैसे कोई अगली कॉलें आएंगी उनके हिसाब से आंदोलन में निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि फिलहाल वो उनके जो बयान है वो ये है कि जो संगठन आंदोलन में नहीं है वो सीधा दखलंदाजी आंदोलन में ना करे, ऐसा उनकी तरफ से है। और हमने प्रोग्राम बनाया था दिल्ली चलने का, हमारी कोर कमेटी की मीटिंग कई दिन पहले हुई थी, तो हमने ये सोचा था कि हम 5 तारीख की पंचायत मीटिंग बुला के और आगे कोई तारीख दें वहाँ पर चलने की, लेकिन उन्होंने जो घोषणा 3 तारीख को की है वो ये की है कि हरियाणा पंजाब को छोड़ के बाकी के जो प्रदेश है वो दिल्ली जो है वो पहले भी खोल दिया गया है, शंभू बॉर्डर भी खोल दिया गया है, आवाजाही शुरू हो गई है। नहीं, शंभू बॉर्डर पे आवाजाही नहीं शुरू, चंडीगढ़ की तरफ, वो चंडीगढ़ वाला रोड शंभू बॉर्डर वाला। तो आप कल उन्होंने ऐलान कर रखा, उसमें क्या रहेगा आपका? देखिए कल का जो उनका ऐलान है वो तो हरियाणा पंजाब को छोड़ के है ना, जो बाकी स्टेट है वो वहाँ पे आएंगे जिस तरीके की उनकी कॉल है, और एक जो है यहाँ पे जो ट्रांसफार्म जड़ जाते हैं हरियाणा सरकार ने उनका 20% जो है वो किसानों का लगा दिया है, जिसका हम विरोध करते हैं, वो बिल्कुल गलत है, सरकार को अपना फैसला तुरंत वापस लेना चाहिए, ट्रांसफार्म सरकार का है, पैसे हमारे सुनते हैं, गलती उनकी वजह से। और एक जो है बहुत जगह पे फसल खराब हुई है, ओले पड़े हैं, उसमें हम सरकार से मांग करते हैं कि तुरंत स्पेशल गिरदावरी करवाएं और 40,000 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा किसानों को दें। तो ये फैसले आज के मुख्य जो है वो ये फैसले हुए हैं, और अगले फैसले लेने के लिए कोर कमेटी बना दी है, आंदोलन के बीच में अगर कोई तुरंत फैसला लेना पड़े तो कोर कमेटी ले सकती है। और इसके साथ आपने कहा कि जींद जो है अक्षय अग्रवाल है और कुछ दो लोग और हैं, तो वो कई दिन से गिरफ्तार हैं, 307 लगा दी गई है, तो उनकी हमने 7 तारीख की कॉल दी थी SP के घेराव की, तो हमारा अनुरोध है प्रशासन से भी और सरकार से कि 7 तारीख से पहले पहले उनका वो मुकदमा जो है वो वापस ले लें, क्योंकि निर्दोष है, बिल्कुल गलत है, उसने कुछ नहीं किया, 307 इरादा कत्ल उस पर लगा दी है, वो बिल्कुल गलत है, तो उस केस को समाप्त करें और वरना फिर 7 तारीख को वहाँ जो है वो शुरू हो। आप कह रहे थे हमारी मीटिंग हो रही है उन संगठनों के साथ, कुछ बात बनती नजर नहीं आई, तो कमेटी बनाई थी? नहीं, कमेटी हमने बनाई थी, हम 11 लोग उस कमेटी में थे, और वो कमेटी जो है वो SKM के जो लीडर हैं उनसे भी मिली थी, SKM के जो 6 मेंबरी कमेटी है वो 6 बुलाए थे, लेकिन 2 आए थे, हमने 2 के अंदर अपनी बात रख दी, बाकी उन्होंने अपनी कमेटी में रखी है जाके, और जो दूसरे लोग हैं पंधेर साहब हैं, पंधेर साहब को मैं अकेला मिला, फिर उन्होंने कहा था कि मेरे को अकेला मिलो पहले, उसके आगे भी मैंने प्रस्ताव रखा था कि 2-3 आदमी उधर से दे दें, 2-3 आदमी SKM से लेके इस तरह सभी संगठनों से कोई मुख्य आदमी लेके एक कमेटी बना दे, वो कमेटी आंदोलन का संचालन करे और वो कमेटी ही अगले निर्णय ले, और ऐसे ही हमने फिर जो डल्लेवाला ग्रुप है उनसे मीटिंग की थी, हालांकि वहाँ पे उन्होंने पूरी कमेटी बुलाने की बात की थी, लेकिन आगे डल्लेवाला जी नहीं मिले, तो आगे उनके 4 आदमी वहाँ पे थे, उन्होंने कहा कि हमारी ये कमेटी है जो फरज कमेटी है, हम अपने पूरी कमेटी में अपनी बात आपकी बात रखेंगे, आप प्रस्ताव दे दो, उनको भी हमने ये प्रस्ताव दिया, और उस प्रस्ताव के बाद उधर से भी कोई जो है वो रिस्पॉन्स नहीं है, बल्कि उन्होंने यही कहा है कि हम उस जो आंदोलन को है वो अपने आप चलाएंगे, उनकी तरफ से यही सारा है, और जैसे अभी श्रद्धांजलि देने का प्रोग्राम था उसमें भी जो लोग बोले हैं यही सारा।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।